खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्णसागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, भाई और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आज हम प्रतिवर्ष की तरह इस अवसर पर स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का शुभ रूप से यहाँ एकत्र हुए हैं और अपनी खुशी का और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु जी हमें ऐसी भक्ति प्रदान करते रहें, ऐसे अवसर आते रहें और हमारी भक्ति उनके चरण में बढ़ती रहे। हम सबका सौभाग्य है कि हमें श्री सतगुरुदेव स्वामी प्रसाद जी के चरण कमल मिले, लेकिन मैं तो अपने जीवन का बस एक ही सौभाग्य समझता हूँ सबसे बड़ा, कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिले। पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति ही जीवन की सफलता का एक माध्यम होता है। जिसको गुरु नहीं मिले वो संसार के अंदर किसी प्रकार से भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, न इस जन्म में न अगले जन्म में। पूर्ण सतगुरु क्या होते हैं ये सबके सामने समस्या आते हैं कि हमें पूर्ण सतगुरु मिलने चाहिए। हर एक चाहते हैं ये एक गुत्थी है, एक पहेली है कि पूर्ण सतगुरु क्या होती है। मैं समझता हूं पूर्ण सतगुरु वह है जिनका जीवन शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुकूल हो। शास्त्र अनुसार जिनका जीवन हो वह पूर्ण सतगुरु। जीवन से ही गुरु पहचाना जाता होता है ना, गुरु कहने से या गुरु नाम से गुरु नहीं बनता। श्री स्वामी जी हमारे पूर्ण सतगुरु थे। हम गीता पढ़ा करते हैं, गीता से बड़ा क्या ग्रंथ कोई नहीं होता। सब शास्त्रों का सार है और भगवान के मुखारविंद से निकला है। दो ही चीजें हमारे लिए परम पवित्र हैं और दुनिया में ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो इस प्रकार से। एक तो गंगा माता जो शिवाय की जटों से निकली है वो परम पवित्र है, दूसरों को पवित्र करती है, और एक श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकली है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनिष्ठा, और उस कोई हम समझते हैं इसके अनुसार हमारा जिसका जीवन है वो जीवन पूर्ण जीवन है। कहते हैं गीता जो है कर्म योग का शास्त्र भी है, कर्म योग से कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म योगी कौन है? कर्म योगी की डेफिनेशन जो है तीन गुण होते हैं उसमें और वो कर्म योगी है। पहला गुण, वह संसार से विरक्त रहे। जैसे गीता का पहला अध्याय है विशाल योग, अर्जुन को वैराग्य हुआ, विरक्त हुआ, क्या कहता है? मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है, मैं संसार में रहकर ये पाप कर्म नहीं करूंगा कि अब तक रिश्तेदारों को मार दू। ये वैराग्य है गीता में। दूसरा कर्मयोगी वो होता है कि वैराग्य के बाद तो फिर संसार से भाग ना जाए। ये शरीर
और संसार ये नाशवान है, परंतु वो चीज जो नाशवान नहीं है, जिसको आग नहीं गिरा सकती, जो पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, विरागी आदमी उस में अपना मन लगाए, अपने विराग में दूसरा गुण है। एक कर्मयोगी का और तीसरा गुण कर्मयोगी का जो है, जो उसी गीता के अंदर ये पहला चैप्टर वैरागी का है, दूसरा ज्ञान का है कि ज्ञान प्राप्त करे आत्मा का, बस यही है, इसके बगैर तो जीवन कुछ नहीं। आए किस लिए हो? ज्ञान के लिए। तो तीसरा अध्याय कहता है कि भाई विराग और ज्ञान के साथ साथ ये ईश्वर जीवन दिया है, इसका भी निर्वाह करना है, और इसका निर्वाह होता है कर्म से। बिना कर्म किए तुम रहोगे? इन तीनों का सम्मेल जो है, मेल जो है, जिसके अंदर हो वो कर्मयोगी है। संसार से विरक्त, मन के अंदर आत्मदर्शन और शरीर से कर्म। मन राम में और शरीर काम में। जो इस तरह का जीवन व्यतीत करता है वह कर्मयोगी है, और इसके अनुसार हमारे गुरु महाराज पूर्ण कर्मयोगी थे। जब श्री सतगुरुदेव उनको मिले, प्रभुरामदास जी महाराज, तो पहले से वैरागी थे। उनकी माता जी ने जब देखी, उनकी चाची का ध्यान हुआ, तो वो कहने लगे, चाची क्यों सोई हुई है, इतनी मर गई है? तो ये प्रश्न था, मर के कहाँ क्या होता है? आत्मा निकल जाती है। आत्मा कहाँ जाती है? भगवान के पास। बस, तो भगवान कहाँ है? साधु महात्मा के पास पता लगता है, इसका तुम्हें नहीं पता था। तो कि मैं फिर बाहर साधु महात्मा के पीछे भाग चले गए। 19 साल की आयु तक यही काम, साधु महात्मा को ढूंढना। फिर ढूंढते तो जब प्रभु जी मिले, तो तब पता लगा कि भगवान क्या होते हैं। आज भगवान के दर्शन हुए, गुरु में भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं? और भगवान के दर्शन करने ना कहीं नहीं होते, मंदिरों में नहीं होंगे, तीर्थ में नहीं होंगे, भगवान के दर्शन होंगे तो गुरु में। अगर अर्जुन के भगवान के दर्शन हुए तो कृष्ण के शरीर में हुए थे, और इसीलिए कहा शिष्यास्त्याम शादी मां प्रपन्नम, ऐ भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दो। शिक्षा यही है, देखो मैं कौन, और जो मैं हूँ वही तुम हो। तो ये ईश्वर के दर्शन अपने शरीर में भी होते हैं, और अगर गुरु मिल जाए तब अपने शरीर में भी होंगे। हर एक अपने शरीर में भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान का रूप अंश तो है। माँ मेरे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं सबके अंदर एक जीव रूप में बैठा हुआ हूँ, ये ब्रह्म है। लेकिन उसके दर्शन किसके होंगे? गुरु के बगैर तो नहीं होंगे। तो गुरु, पहले गुरु के अंदर दर्शन होते हैं, फिर अपने अंदर होते हैं। हमारे साथ तो यही रहा, पहले गुरु में दर्शन होंगे। तो जब गुरु मिल गए, गुरु में भगवान के दर्शन हुए, तो अपने विश्वास ये थे कि गुरु के जब दर्शन हो गए तो मेरा भी क्या हो गया, घर से नाता टूटा और गुरु से नाता जुड़ा। पर ये नहीं घर छोड़ दिया, विरक्त हो गए, प्रभु जी के पास गया। स्वामी जी मारे के पिताजी आए कि आप तो मेरा दुकान पर लड़का बैठता नहीं था, बैठता था, दुकान चलती थी, बड़ा लड़का था, तो अब कहने के बाद ये योगी है।
दुकान पर बैठेगा लेकिन प्यार हमारे साथ रहेगा, संसार से प्यार नहीं रहेगा, प्यार हमारे साथ रहेगा, पर दुकान पर घर से प्यार नहीं होगा पर तो घर में रहेगा, तो विराट हो गया और ज्ञान हो गया कि प्रभु की कृपा से क्या किसी ज्ञान होगा। गीता कहती है जो हर समय आत्मा दर्शन करता रहता है वो मेरा कर्मयोगी है हर समय। और स्वामी जी को 10 साल आंखें बांध रहे, संसार में ऐसा कौन भी होगा जिसको 10 साल आंखें बांध रहे, आंखें बंद करके दुकान पर बैठते थे ध्यान में समाधि में, और आंखें बंद करके ही वे जब जाते थे सड़क पर चलते तो आंखें बंद करते थे, और वह हर रोज गुरु महाराज के पास जाना और जाकर इनका सेवा करना। वो कहते मेरे ख्याल सड़क ही पार कर लेते बात है, ध्यान लगा वो नहीं है वो ईश्वर है, ईश्वर का तो ये है कर्मयोगी की दृष्टि से जान। 24 घंटे अपने चाहे सोए चाहे जागे चाहे काम करे चाहे खाए या पिए अंदर न छोड़े, ये कर्मयोगी होगा। संसार से नाता तोड़े अंदर अपने नाता जोड़े, और तीसरा संसार का काम न छोड़े। दुकान पर बैठते थे उनके पिताजी ने कहा मलिकार जाओ उकाड़ा, एक मंडी थी बॉम्बे से आए थे उकाड़ा मंडी से जाकर मक्की खरीद लाओ, पैसे ये पे डाल दिए, जाओ गाड़ी पर चढ़ गए गाड़ी बैठे पता नहीं कहाँ जाना है, गाड़ी बदली भी गई पर भी अंदर से बदलवा दी गाड़ी उकाड़े पहुंच गए। उस जगह जाकर उस व्यापारी को पैसे दे दे वो तुम्हें मक्की खरीद देगा, पहुंच गए पहुंच भी गए, अंधेरा था रात को पहुंचे जब तुम स्वागत किया आओ लाला जी आओ ये है पैसे दे दिए जो थे। उन्होंने कहा आराम करोगे पर कर इसकी तो आंखें चढ़ी हुई है इसको दिखाई भी नहीं देता कैसे पहुंच गया। नौकर को बुलाया ये लाला जी है शराब पी हुई है इसलिए इसको ध्यान से सुला दो, दूध पिलाओ सुला दो, और कहा लाला जी इतनी शराब नहीं पीते कि होशी ना रहे सो गए। तो बता रहे हैं अंदर मुखी क्या होता है जी कि बाहर की भी शुद्ध ना रहे परिवार में रहे और काम भी करे, ये आदर्श कर्मयोगी थे, ऐसा नहीं कहेगा संसार में, इसलिए तो हमें आदर्श गुरु मिले। सुबह उठे लाला वो सेठ हाँ जाग पड़े ऐसे जाग पड़े उठ बैठे अभी आंखें बंद है कितनी पी लिया जाए तक उठी। नौकर कहा कि इनको कुएं पर ले जाओ, आगे दही मर मर के नहाते थे दही दे दिया कुएं पर लेकर अच्छी तरह नहला ताकि इनको जो होश आ जाए। नौकर ले गया मिला दिया नहाए पानी डाला बंद, स्वामी जी क्या की बात घर ले आए नाश्ता कराया चलो जी अब चलेंगे मंडी में चलेंगे कनक खरीदेंगे। देखो जो खुद नहीं देखता उसके लिए भगवान देखते, कर्मयोगी की पहचान है। मक्की के ले गए एक एक दुकान पर गए ये मक्की खरीद ले आज पर आ गई आके मत हाँ हाँ खरीद लो कितनी खरीद लो आए हैं जितनी मर्जी खरीद लो। सारी दुकानों पर गए नमूना दिखाया ये भी खरीद लो खरीदते चले। मंडी के अंदर एक शोर मच गया कि बड़े बड़े व्यापारी है सारी मक्खी खरीदे हर दुकान से, थोड़ी भाव चढ़ा दिया
मंडी का भाव चढ़ा तो अमृतसर में भाव चढ़ जाता था। बहुत मगी खरीद ली, बेटी बनाई, साथ दे दी, तो पैसों का हो जाएगा। और वो गाड़ी पर चढ़ा दी, मस्ती में गाड़ी में थे। अब पिता ही इंतजार कर रहे थे, आए गाड़ी देखें क्या लाए हैं क्या नहीं। गाड़ी से उतरे तो मिल रहा आगे कि क्या कितना खरीदा। वो चाहते थे कि भाव चढ़ गया है तो नुकसान तो नहीं उठा लाया, बहुत खरीद लाया, अच्छा किया, भाव चढ़ गया। उस एक कर्म योगी के विवाह मिला हो गया। ये है हर समय मस्ती, ये है हमारे सदगुरु के 10 साल तक ऐसे रहे। जब 10 साल के बाद प्रभु जी ने कहा अब तुम अधिकारी हो, आश्रम को संभालो, हम अपने जा रहे हैं महाप्रभु जी के पास, शरीर बदल के चले गए। और उस समय कहा तुम अब आंखें खोल दो, अब दूसरा रूप तुम्हारा होगा आश्रम चलाने का। कर्म योगी आंखें बंद करके भी काम कर सकते, खुल भी काम कर सकते। या यहाँ आते थे जब शारपुर में, आंखें चढ़ी मस्ती, पर आंखें इतनी इतनी हो गई छोटी छोटी, हमारी इतनी आंखें उसे जब बंद रहे 10 साल बंद रहे तो इनके मसल भी सिकुड़ जाते बंद आंखें। और हमारे प्रोफेसर आते थे जो हमारे गरीब थे, कहते भाई लोग नशे काम करते इलेक्ट्रिसिटी नशे में चलती। तो मैं कहता हूँ सिर्फ यही कि हमारा सौभाग्य है कि हमें पूर्ण सत्कर्म मिले, जो शास्त्र रीति से कर्म के अनुसार ठीक और व्यवहार में देखे। तो शिष्य गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है पूर्ण समाधि से, समाधि में सवेरे जाना प्रभु जी के पास और कुएं से पानी निकाल के प्रभु जी को स्नान करना। एक दिन महाराज जी प्रभु जी बैठे हुए थे, शिष्य आए, महाराज जी आपने स्नान नहीं किया, और मुझे लगा आता होगा आएगा पानी निकाल लेगा। ये था कि गुरु भी शिष्य के साथ इतना प्यार करते हैं कि उसको सेवा स्वीकार करते हैं, गुरु सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा वो भी एक योगी की पहचान। पिता उनके आयुष बाजी थे, मगर उनके उस विचारों का बिल्कुल विरोध नहीं करते थे। मैंने देखा आज जब वारते थे तो बाजार से हवन कुंड और हवन स्मृति मंगा कर कहते पिता हवन कर। एक बार माता जी उनकी बीमार हो गई, आश्रम में थी, हम गए हुए थे आश्रम में छोड़ते गए तो मेरे साथ आपकी माता इसी धर्मपत्नी थी, वो भी थे बच्चे भी साथ थे, माता जी बीमार हो गए। उनकी माता जी का बिस्तरे में पेशाब निकल गया, माता जी दौड़े मैं साफ करूंगी इनकी बिस्तर, नहीं ये मेरा फर्ज है, श्री माता ने दिया है मैं साफ करूंगा। अपने माता के कपड़े बहुत धोए, हम साथ हैं हमें दिया। ये माता पिता की भक्ति होती है, पितरी पितरी पूरे भक्त अपने शिष्यों से प्यार करते थे। वो तो इसके थे अनेकों दृष्टांत हैं, उदाहरण है, मैं अपना बताती शिष्यों से कितना प्यार करते थे। मैं लाहौर में था उनके टाइम पर, लाहौर से पढ़ा करता था छोटा, और लाहौर में 20-22 मील का ही अंतर है, यहाँ से जितने जो अंतर गाड़ी में चढ़ते थे छोटे पहुँच जाते थे। उनके कहने पर जब जब भी कोई उत्सव होता, जब लगभग महीने 4-5 बज जाते ही थे सेवा में, तो जब होता था कोई संगत होती थी कहते तुम्हें पढ़ बोलो क्या बोलते हो, तो मैं नीति को भी बताते थे, हमने नीति सीखी है ये लाभ होते हैं, और क्या कहना था स्टूडेंट था पर प्रशांत थे। कुछ देखा
कि बोलते बोलते जुबान रुक जाती है, जैसे बच्चों की होती है, बड़ों की होती है, तो ठीक जुबान ठीक होनी चाहिए। कैसे होगी? जीभ ध्वन करोगे तो उसके ऊपर जीभ ध्वन करके नमक से, फिर भेड़ू का भेड़ का तेल घी में लगो उसके ऊपर, भेड़ का घी। हमारे भेड़ का घी मेरे पास कहां से आएगा? उन्होंने जब मैं दोबारा गया तो भेड़ का घी मंगाया हुआ था कहीं से, लो इसको मिला गया। शिष्यों से इतना प्यार करते थे, सब काम करते। जो सूत्र नीति बनानी अपने हाथ से मुझे खिलाई, योगा सिखलाया, कई साथ सिखलाया, शिष्यों तैयार करते थे। कहते बहादुर बनो, ये देखो अपने उत्साह पैदा करने के लिए एक लकड़ी का तख्ता बनाया हुआ था बड़ा, उसमें कीले ठीक लगी बहुत, लेट जाओ इस पर कुछ नहीं हो, तुम्हें कीले में लेट जाते। और कहते इसके ऊपर एक और कपड़े रखो, तो उसमें पत्थर रखते, कूटो इस पत्थर को, तुम्हारा उत्साह बढ़ाते शिष्यों के साथ। जो शिष्य नहीं, गुरु शिष्य नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? इतना माता पिता बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, तो हमारे बच्चे बीमारी के मरीज हैं, देख लो ठीक है, है मरीज। तो शिष्य से इतना प्यार करते और समाज से इतना प्यार करते थे। जो प्रभु जी की शिक्षा थी कि हमने फैलानी है, उनका यही था कि योग से हर एक रोग का इलाज हो जाता है। बड़े बड़े स्टार्च पाकर बांटते थे और ताकि लोग आ सके। अगर वो इस चीज का बीज ना बोते तो आज तक हमारे पास भी ना होता। आज योग के साधन है, नीति पुस्तक उन्हीं के समय में लिखी थी, नेत्र ज्योति प्रकाशी नीति, जो संसार में कोई नहीं ऐसी लिखी गई, और जो संसार में पता नहीं था नीति को चीज होती है, ये उन्हीं से आरंभ हुआ। गुरु की शिक्षा का आगे प्रचार किया। तो ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज पूर्ण सतगुरु थे, और पूर्ण सतगुरु से चरणों में रहकर शिष्य उनकी कृपा से पूर्ण बढ़ सकते हैं। तो कुछ तो बनेगा ना, पूर्ण बनेगा हमारे साथ अधूरा रहेगा, फिर भी कुछ तो बनेगा। लेकिन पूर्णात पूर्णमुदात, पूर्ण जो है ना, पूर्ण से पूर्ण भी निकल जाए, पूरी रहता है, पूर्ण होती है इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स का प्रश्न हम पढ़ते थे तो उसका तथा कश्मीर में बीए पढ़ते थे मैथमेटिक्स कि पूर्ण इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी। पूर्ण सदगुरु या पूर्ण बना लो, उसका कम कुछ नहीं होता। वो प्रोफेसर जो था बैचलर्स का भगत था, वेद पढ़ा हुआ था, वो वेद का श्लोक बोलता था पूर्णमिदं पूर्णमदा, ये भी पूर्ण है, वो पूर्ण है। कैसे बोल गया? क्यों पूर्णात अदाय पूर्णमेवाशिष्यते, पूर्ण से निकालना पूर्ण भी आ जाता है, भगवान ही पूर्ण है, संसार ही पूर्ण है, उससे निकला फिर पूर्ण का पूर्ण। तो तुम गुरु और पूर्ण है तो शिष्य को भी पूर्ण बना सकते हैं, उसके सब गुण होते हैं। तो हमें अगर उनके शरण में सचमुच हम शिष्य बन के रहें तो हमें बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे उनकी कृपा से। तो मैं नहीं करता कि हमें श्री स्वामी महाराज के जन्मदिन मना रहे हैं, मैं बड़ी खुशी है, ये सब उन्हीं का है। वो ना हमें शहर में लेते तो यहाँ भी कुछ ना होता। तो अब आज का कार्यक्रम इसी तरह जैसे चलेगा, ये भी आज के कार्यक्रम और कल के कार्यक्रम
बारे में थोड़े बताना है, फिर आगे ऐसे चलता रहेगा। अभी श्रीमद भागवत रामायण श्री योग माध्यम रामायण का पाठ होना सारा दिन होना है। दिन को तो भाइयों ने करना है, रात को दिन को बहनों ने करना है, रात को भाइयों ने करना है, समझे कि 7 बजे के बाद भाइयों ने और 7 बजे तक बहनों ने, और इस तरह सवेरे 24 घंटे 12 घंटे वो 12 घंटे वो सुबह जब भाई पाठ के उठेंगे तो बहनें संभाल लेंगी। तो ये सारा 4 दिन ऐसे चलेगा। अब लेकिन ये एक पार्टी चलना है, बीच बीच में उपदेश भी होने हैं। आज बीच में कुछ पाठ होगा, कुछ उपदेश होगा, शिक्षा मिलेगी और रामायण के सुनने को मिलेगा। तो वो तो डॉक्टर शमशेर सिंह जो अधिकारी हैं यहाँ के जो इस स्टेज के, वो जिस तक कराएंगे काम करेंगे, पहले वो पाठ शुरू करा दें, फिर उन्हीं के आदेश से ये सारा कार्य चलेगा। तो करा गान। हाँ, एक बात और, वो बात यह है क्योंकि सारा प्रॉब्लम मैं तो अभी सारा दिन यहाँ नहीं रहता, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि 2 कार्यक्रम इसी बीच में होते हैं। एक कार्यक्रम होता है जो लोग बाहर से आते हैं उनकी दीक्षा का, 3 से 4 बजे तक लोग वहाँ पर मैं बनूँगा आश्रम में आकर दीक्षा ले सकते हैं। तो फिर कैसे जाएंगे? शमशेर सिंह जी के कहने से 71 हो जाएंगे और मैं तो सुरेंद्र जी उनको साथ लेके जाएंगे, और जब दीक्षा हो जाएगी तो वापस इस तरह आकर फिर 700 घटन में आप बैठ जाएंगे। और उसके बाद 4 से 5 बजे तक या थोड़ा और कोई पूछ, कईयों को कोई योग के बारे में पूछना होता है, कोई शरीर के बारे में पूछना होता है, कोई समस्या, तो वो जो है क्योंकि साधन कर क्या करें क्या नहीं करें, तो वो 4 से 5 बजे तक या 5 से ज़्यादा भी कुछ लग सकता है वहाँ पर, वो एक ही का को अटेंड करना होता है। तो वो उसके जब ये वो आ जाए ना कि बल निपट गया, फिर उनको ठाकुर साहब बाहर 71 करेंगे कि आपने जाए, और ज़्यादा ग्रुप हो तो ये भी कह सकते हैं कि आज आज चले जाए, आज का चले जाए, क्योंकि एक एक अटेंड करना होता है, और ये नहीं कि हम 1 घंटे रखें 3 घंटे लग जाए तो वो तो लोग सारे बिखर जाते हैं। तो इतना उसे वो उनको ले जाने वाले अपने मैं तो विपिंदर जी होंगे, वो ले जाएंगे और वही वापस ले जाएंगे, क्यों ये साथ भी उनके साथ होकर मुझे भी सहायता करते हैं ना सारा अरेंज करने में, तो ज़्यादा जरूरत नहीं होती, तो इतने से काम चल जाता है। तो ये भी आज का ही प्रोग्राम, ये 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा ऐसा ही, आज भी कल भी परसों भी। तो इसलिए तो अगर आज किसी को ज़्यादा संख्या में बारी ना मिले कल, तो वो कल भी कर सकते हैं, कल नए आएंगे उनको भी समय मिलेगा। तो अब ये सारे आपके इसी तरह से डॉक्टर साहब चलाएँगे, और जो सुरेंद्र जी हैं मैं गोविंदर जी हैं ये सारे सहायता करेंगे हमारी। तो अब हम 6 गान कर रहे हैं, पहले पूरन पा